बच्ची अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोचिंग के लिए जा रही है और अचानक कोई ऑटो से उसको डैश लगा है और बच्ची बस के नीचे आई है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक्सीडेंट करने वाली बस है उसको हमने हिरासत में ड्राइवर से लिया है और उसके जो परिवार के सदस्य हैं जो उसमें साथ में बैठे थे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम गिरफ्तार करके उसको चलाएंगे। और यहाँ वन वे ट्रैफिक है, वन साइड में एक ट्रैफिक चलता है, वन साइड में दूसरा ट्रैफिक चलता है, इनकमिंग आउटगोइंग वाला। सर जो पे लगा तो जो एक्सीडेंट होता है अनबैलेंस गाड़ी होने के कारण होता है, थोड़ा सा बैलेंस करके या थोड़ा सा स्लो चले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वैसे ही ट्रैफिक स्लो चलता है। अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी बात हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, आप स्वयं भी गिर पड़ते हैं। अगर इसमें ऑटो का नंबर आएगा तो निश्चित ही जितना बस का दोष है उससे कहीं ज़्यादा ऑटो वाले का दोष है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही पूर्वक वो गाड़ी चला रहे हैं। यातायात के लिए एक सड़क होती है और उस सड़क पर यातायात चलता है, उसमें वन वे हो या फिर वन वे ना हो, बीच में लाइन भी खींची रहती है, तो आपको हम थोड़ा सा दिशा देते हैं कि आप इस तरह से चलिए। चलना आपका काम है, एक्सीलेटर बढ़ाना आपका काम है।